नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ऑर्गन फंक्शन टेस्ट के अंदर किडनी के फंक्शन टेस्ट को डिस्कस करेंगे, गैस्ट्रिक फंक्शन टेस्ट को डिस्कस करेंगे, पैनक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट को डिस्कस करेंगे और मिसेलेनियस टेस्ट के अंदर जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है उनको भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो हौसला बुलंद रखना दोस्तों, वीडियो को अच्छे से आखिरी तक देखना है ताकि इस पर बने हर एक क्वेश्चन का सवाल का जवाब आपको आना चाहिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखो किडनी फंक्शन टेस्ट देखते हैं, स्टार्ट में इसे रिनाल भी कहा जाता है। रिनाल वर्ड ये किडनी से रिलेटेड होता है। तो इसमें क्लियरेंस टेस्ट के अंदर कुछ टेस्ट आते हैं उनको देख लो। ये होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। ये जो किया जाता है वो किडनी फंक्शन चेक करने के लिए किया जाता है। इसमें ये ग्लोमेरुलस होता है ना, यहाँ पे बोमन्स कैप्सूल ग्लोमेरुलस का पार्ट होता है, तो इसके अंदर ब्लड फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है। तो इससे याद रख लेना ये GFR ये किडनी से रिलेटेड होगा। तो ये GFR मेजर करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो इन्यूलिन नाम का सब्सटेंस होता है जो IV एडमिनिस्ट्रेट करके GFR को मेजर किया जाता है। और ये इन्यूलिन क्या है, ये फ्रुक्टोज यूनिट से बनता है, ठीक है। तो इस पे दो तीन सवाल बन सकते कि इन्यूलिन क्या है, वो तो फ्रुक्टोज यूनिट से बनेगा, ये IV एडमिनिस्ट्रेट क्यों किया जाता है, तो GFR मेजर करने के लिए, और GFR क्या है तो किडनी का फंक्शन टेस्ट है, ठीक है, क्लियरेंस टेस्ट। नेक्स्ट क्लियरेंस टेस्ट में देखना है क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट। देखो क्रिएटिनिन एक बायोमार्कर है जिससे हम किडनी फंक्शन टेस्ट चेक करते हैं, ये काफ़ी अच्छा है क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट। नेक्स्ट है यूरिया क्लियरेंस टेस्ट। देखो नाम से ही पता चल रहा है, यूरिया यूरिन कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट, ये सब किडनी से होगा। अब यूरिन कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट में करना क्या है, अर्ली इन द मॉर्निंग का आपको यूरिन लेना है और उसकी ऑस्मोलैलिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेक करना है। देखो ऑस्मोलैलिटी जनरली 800 मिली ऑस्मोल पर केजी होगा और उसका अगर आप स्पेसिफिक ग्रेविटी देखोगे तो 1.02 आना चाहिए, जिसका ऑस्मोलैलिटी 800 मिली ऑस्मोल पर केजी होता है, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट करके देखना आपको किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए सीरम क्रिएटिनिन होगा या फिर ब्लड यूरिया भी आप चेक कर सकते हो। और इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है सिस्टैटिन सी जो बायोमार्कर है इसका, ठीक है, ये क्रिएटिनिन से भी अच्छा बायोमार्कर है किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए सिस्टैटिन सी। तो इस टेस्ट को भी आपको याद रखना है अच्छे से। तो देखो यहाँ पे एक ट्रिक है, इसके सहारे आप याद रख सकते हो ये सारे टेस्ट। किडनी क्रिएट यूरिन सिस्टमैटिकली, तो ये देखो ये किडनी के लिए है क्रिएटिनिन बायोमार्कर, फिर यूरिन यूरिया जो भी नाम आएगा ये तो किडनी से ही रिलेटेड होता है, और सिस्टमैटिकली है ना, तो ये सिस्टैटिन हो जाएगा और ये कलिका सी हो जाएगा, सिस्टेटिन सी। तो ये सारे किडनी फंक्शन टेस्ट हो जाएंगे दोस्तों। आगे डिस्कस करते हैं, देखो यहाँ पे दो क्वेश्चंस है इनको भी आपने करना बहुत जरूरी है। देखो केमिकल यूज एज अ कॉन्ट्रास्ट मीडियम टू टेक यूरिनरी ट्रैक्ट एक्सरे, यूरिनरी ट्रैक्ट का एक्सरे करना है तो कॉन्ट्रास्ट मीडियम क्या यूज करोगे आपको, ताकि वो एक्सरे के अंदर जो भी यूरिनरी ट्रैक्ट है वो आप अच्छे से देख सको, वो विजिबल हो जाए। तो इसके लिए कॉन्ट्रास्ट मीडियम जो यूज़ करना है ना वो थोड़ा ड्रास्टिक होना चाहिए। ड्रास्टिक मतलब क्या, डायोड्रास्ट नाम का सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस यूज़ किया जाता है कॉन्ट्रास्ट मीडियम बनाने के लिए। तो इसका नाम देखो ये होता है डाईआयोडोपायरिडोन एसिटिक एसिड होता है ये, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखना है यूरिनरी ट्रैक्ट के एक्सरे में। और क्वेश्चन ऐसा भी आएगा रेडियो ओपैक मीडियम इज यूज इन एक्सरे टेक्निक इज, तो इसका जवाब आपको बेरियम सल्फेट ही बोलना है। ये अभी ESIC एग्जाम में पूछा गया था कि बेरियम सल्फेट क्या है, तो ये रेडियो ओपैक मीडियम करके यूज होता है, ठीक है, एक्सरे टेक्निक के अंदर। तो चलिए आगे के फंक्शन टेस्ट को देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन टेस्ट में हम देखेंगे गैस्ट्रिक फंक्शन टेस्ट को देखना है, ठीक है। ये तो सारे नाम से याद रहते हैं। देखो यहाँ पे फ्रैक्शनल टेस्ट मील, देखो मील आया तो ये तो गैस्ट्रिक से रिलेटेड होगा, स्टमक से, है ना, FTM फ्रैक्शनल टेस्ट मील। फिर होगा अल्कोहल टेस्ट मील, फिर से मील आया, फिर से गैस्ट्रिक की तरफ जाएगा।
पेंटागास्ट्रिन स्टिमुलेशन टेस्ट, तो ये देखो ये गैस्ट्रिन नाम ही आता है ना यहाँ पे, तो ये टेस्ट का नाम याद रख लेना, पेंटागास्ट्रिन गैस्ट्रिन स्टिमुलेशन टेस्ट। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसको याद रखना जरूरी है, ऑगमेंटेड हिस्टामाइन टेस्ट मील, इसको केस टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पे भी मील आ रहा है ना ये, ऑगमेंटेड हिस्टामाइन टेस्ट, कभी कभी इतना ही पूछ लेते हैं, ये मील नहीं आएगा, तो ये ऑगमेंटेड हिस्टामाइन को याद रख लें। देखो पेट में जब भी भूख लगती है तो क्या लगता है, आग लगती है ना, मेन के पेट में आग लगी है, क्यों, उसको भूख लगी है, भूख लगी है यानी क्या, गैस्ट्रिक की तरफ जाओ, ये होगा गैस्ट्रिक फंक्शन टेस्ट। नेक्स्ट है इंसुलिन टेस्ट मील, देखो इंसुलिन जो होता है ना, हम खाना खाते हैं तो वो ब्रेक डाउन होकर उसका ग्लूकोज तो बनने ही वाला है, तो ये वहाँ पे इंसुलिन जाके वो ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, तो ये गैस्ट्रिक टेस्ट फंक्शन टेस्ट है, इसको याद रखना है, इंसुलिन टेस्ट मील। फिर आएगा ट्यूबलेस गैस्ट्रिक एनालिसिस, तो ये ट्यूबलेस गैस्ट्रिक एनालिसिस पे नाम में ही है, ये गैस्ट्रिक फंक्शन टेस्ट होता है, तो ये ट्यूबलेस गैस्ट्रिक एनालिसिस के अंदर क्या यूज़ किया जाता है उसका नाम आपने ध्यान में रखना है, ये डायग्नेस करके देखो जो भी प्रोनाउंस होगा, डायग्नेक्स ब्लू कंटेनिंग एज्योर ए रेजिन, तो एज्योर ए का रेजिन होता है इसके अंदर, तो ये यूज़ किया जाता है ट्यूबलेस गैस्ट्रिक एनालिसिस के अंदर, डायग्नेक्स ब्लू, ठीक है। नेक्स्ट देखो ट्यूबलेस डायग्राम है, ऐसा कुछ बोलना है आपको, ब्लू कलर का डायग्राम है, ये अजूर ए है, तो ऐसा बोलना है, ये डिज़ायर गाड़ी होती है ना, स्विफ्ट डिज़ायर, तो इसको डिज़ायर से याद रख लें, अजायर, ठीक है, डिज़ायर से अजायर याद रख लेना, और अजायर गाड़ी का जो टायर है वो ट्यूबलेस होता है, ठीक है, ऐसा डायग्राम अपने दिमाग में रखना है, ब्लू कलर की आपकी डिज़ायर गाड़ी है और उसके ट्यूबलेस टायर है, ऐसा कुछ तो करके आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट है पैनक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट, देखो पैनक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अमाइलेज से रिलेटेड होता है, ठीक है, सीरम अमाइलेज चेक करोगे पैनक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट के लिए, और सीरम लाइपेज भी चेक करना है, लाइपेज और अमाइलेज जब भी नाम आएगा ना तो ये सीधा सीधा इशारा करेगा पैनक्रिया की तरफ, ठीक है, इन दोनों को पैनक्रिया के साथ में कलेक्ट कर लेना। देखो दोस्तों अगर आपको इन वीडियोस के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको पेटीएम करना पड़ेगा इस नंबर पर 200 रुपये, और इसी नंबर पर आपको आपका व्हाट्सएप नंबर और आपका गुड नेम भी सेंड करना है जिस नंबर पे आपने टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड किया है, तो आपको टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट कर दिया जाएगा जहाँ पे आपको सारे पीडीएफ फाइल्स अवेलेबल हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और अब कल से नीट साइंस स्कॉलर्स पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के वीडियोस मिलना भी स्टार्ट हो जाएंगे, हम वहाँ पे भी वीडियोस शेयर करेंगे, कल से रोज़ एक वीडियो अपलोड किया जाएगा, और ये 0 डिजिट चैनल पे मैथ्स एंड रीजनिंग के भी वीडियोस अब शेयर किए जाएंगे कल से, तो ये दोनों चैनल कल से एक्टिवेट होंगे दोस्तों, ठीक है। तो जिन्होंने भी इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन लोगों ने यहाँ सब्सक्राइब करके रख देना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और कल से आपके इन टॉपिक्स के भी स्टडी स्टार्ट हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, मिसलेनियस टेस्ट को देखना है अभी, मिसलेनियस टेस्ट के अंदर देखो मसल एंजाइम टेस्ट होता है, तो देखो ये टेस्ट जो होता है ना वो किसके लिए होता है, तो ये टू फाइंड द मसल डैमेज इन द बॉडी, ठीक है, अगर बॉडी में कोई मसल डैमेज हुआ होगा तो वो डिटेक्ट करने के लिए मसल एंजाइम टेस्ट होता है। अब इसमें एंजाइम कौन सा होता है, तो सी के करके होता है, इसका फुल फॉर्म देखो क्रिएटिनिन काइनेज होगा, क्रिएटिन काइनेज, देखो मसल जिसकी एक्टिव होती है ना वो काफ़ी क्रिएटिव होता है, ठीक है, पिक्चर में हीरो लोग काम करते हैं वो क्रिएटिव होते हैं क्योंकि वो मस्कुलर होते हैं ना, तो ये क्रिएटिन काइनेज, काइनेटिक होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, क्रिएटिव एंड एनर्जेटिक, क्रिएटिन एंड काइनेज, अगर इसका लेवल बढ़ गया तो समझ लेना कि मसल डैमेज हुआ है, ठीक है, तो ये मसल एंजाइम टेस्ट को याद रख लेना। नेक्स्ट है हिडेलबर्ग टेस्ट, ये डायग्नोसिस ऑफ हाइपोक्लोराइड्रिया करेगा, जो स्टमक के अंदर होता है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो अगर वो कम हो गया, हाइपोक्लोराइड्रिया हो गया, हाइपो यानी कम हो जाना, तो अगर कम हो गया तो वो हम हिडेलबर्ग
टेस्ट के सहारे डायग्नोस कर सकते हैं। ये हिडेलबर्ग देखो ये HCL के जैसे लग रहा है ना, और ये बर्गर कहाँ खाते हैं हम पेट के अंदर जाने के लिए, तो पेट का HCL ऐसे करके याद रखना, बर्गर इन एडेल, एडेल में यानी कि HCL। नेक्स्ट होगा HCG टेस्ट। HCG का फुल फॉर्म देखो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन टेस्ट होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। तो ये होता है प्रेगनेंसी टेस्ट में, टेस्ट के लिए, ठीक है, प्रेग्नेंट है या नहीं है आप, तो इससे ये पता चलेगा HCG टेस्ट से। इसमें क्या होता है, ये ऐसी आप डायरेक्ट किट आ रही है ना प्रेगा किट करके, तो यहाँ पे जो आपको सबे अर्ली इन द मॉर्निंग का यूरिन ड्रॉप डालना होता है यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसी दो लाइन दी होती है, थोड़ी देर के बाद अगर ये डार्क हो गई ना तो समझ लेना कि प्रेगनेंसी है। नेक्स्ट देखते हैं अभी सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट, CRP, ठीक है। सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट क्यों करना है, टू चेक द इन्फ्लामेशन इन द बॉडी, बॉडी के अंदर जहाँ भी इन्फ्लामेशन है वो चेक करने के लिए सी क्रिएटिव प्रोटीन टेस्ट करते हैं। CRP होता है ना, देखो CRPF आपको पता होगा, CRPF जब भी मारते हैं ना तो इन्फ्लामेशन तो आता ही है, तो ये CRPF से याद रख लेना, सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट होता है। नेक्स्ट है शुगर वाटर टेस्ट, शुगर वाटर टेस्ट। इसमें क्या होता है, वाटर में शुगर डाल के शुगर सॉल्यूशन बनाना होता है, टू डिटेक्ट द फ्रैजिलिटी ऑफ RBC। अगर इसमें आपने RBC डाल दिया तो क्या होगा, उस पे स्वेलिंग आ जाएगा, ठीक है, ऑस्मोसिस होता है ना, जो हाई कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स द लो कॉन्सेंट्रेशन फ्लो होता है सोल्यूशन का, तो बाहर शुगर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो वो RBC के अंदर चला जाएगा, RBC स्वेल कर जाएगा, ठीक है। RBCs कैन विदस्टैंड और नॉट इन अ शुगर सोल्यूशन, जो भी उनकी स्वेलिंग हो रही है तो वो विदस्टैंड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, यानी कि RBCs की फ्रेजिलिटी को डिटेक्ट करना है ये शुगर वाटर टेस्ट से, ठीक है। नेक्स्ट है सीलिंग टेस्ट। ये सीलिंग टेस्ट क्यों करते हैं, टू चेक द विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन डिफिशियंसी को चेक करने के लिए, या फिर पेशेंट में जो भी एब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं फ्रॉम इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन से साइनोकोबालामाइन अच्छे से एब्सॉर्ब हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर उसकी डिफिशियंसी है, ये सब चेक करने के लिए सीलिंग टेस्ट होता है, सीलिंग फॉर साइनोकोबालामाइन, सीलिंग साइनोकोबालामाइन। नेक्स्ट देखना है सेल ब्लॉक क्या होता है, सेल ब्लॉक क्या होता है, तो देखो ये सेल ब्लॉक जो होता है ना, इट इज यूज्ड फॉर द साइटोलॉजी, जो भी स्टडी ऑफ सेल्स होता है उसे साइटोलॉजी कहा जाता है, तो ये साइटोलॉजी में ये यूज किया जाता है सेल ब्लॉक। लेकिन ये होता क्या है, देखो इट इज प्रिपेयर फ्रॉम द पेलेट ऑफ द सेंट्रीफ्यूज सेल सस्पेंशन, सेल का जो भी सस्पेंशन ना सेंट्रीफ्यूज किए हुआ, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज यानी क्या, जोर जोर से, जोर जोर से घुमा के जो भी नीचे चला जाता है ना पार्ट, जो भी वजनदार पार्ट होता है वो नीचे चला जाता है, एकदम साइड में फेंक दिया जाता है, जैसे हम वॉशिंग मशीन में कपड़े घूमते 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 उसकी मैल कहाँ फेंकी जाती है, बाहर बाहर, और कपड़े साफ हो जाते हैं। तो ये सेंट्रीफ्यूज सेल सस्पेंशन जो होता है ना, इसमें प्लाज्मा एंड थ्रोम्बिन ऐड करके टू एनमेज द सेलुलर मटेरियल इन अ क्लॉट, तो जो भी सेलुलर मटेरियल उनका क्लॉट बनाया जाता है, ताकि उसको अच्छे से बारीक तरीके से काट के उस सेल की हम अच्छे से स्टडी कर पाए, इसलिए ये सेल ब्लॉक बनाया जाता है दोस्तों। तो ये सेल ब्लॉक ऐसे प्रिपेयर किया जाता है और उसका यूज साइटोलॉजी के अंदर होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही, आशा करते हैं कि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया होगा, और ये आपको जरूर फायदा करवाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे, तो तब तक के लिए थैंक यू।